बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अवातिनो हज़रात, आपको हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक ट्यूटर में खुश आमदीद। मेरी बहन और भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में जुमेरात के दिन के हवाले से एक नहायत ही ख़ास मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। कोई बदकिस्मत ही होगा जो ये अमल नहीं करेगा। अल्लाह पाक के ये तीन नाम जो है, इनका आपने ये अमल करना है। जितने भी पैसों की आपको ज़रूरत होगी वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की गैबी मदद से आपके पास आ जाएंगे। मेरी बहन और भाइयों, जुमेरात के दिन के हवाले से हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुमेरात और पीर का दिन जो है, इस दिन बंदे के जो अमाल हैं वो अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं। और मुझे ये पसंद है कि जब भी जो है, जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ। इसके अलावा एक और जगह फरमाया गया है कि मोहताजी से बचने के लिए जो कोई जुमेरात के दिन नाखून तराशेगा, इंशाअल्लाह ताला वो कभी भी फ़कीर नहीं होगा, कभी भी वो किसी का मोहताज नहीं होगा। तो आज का ये अमल अल्लाह पाक के तीन नामों पर मुश्तमिल है। आपने करना ये है कि जुमेरात के दिन आपने चलते फिरते, उठते बैठते अल्लाह पाक ये तीन नाम, या अल्लाह, या रहमानु, या रहीमु, इन तीन नामों को आपने 1150 मरतबा 1150 टाइम्स, यानी 1150 मरतबा आपने इन तीन नामों को, या अल्लाह, या रहमानु, या रहीमु, इन तीन नामों को इकट्ठा आपने पढ़ना है। ये अमल आप असर की नमाज के बाद कर सकते हैं, फजर की नमाज के बाद कर सकते हैं, या इशा की नमाज के बाद आप कर सकते हैं। इन तीनों अवकात में जो आपको बेहतर लगे आप ये अमल कर लें, और पूरे यकीन के साथ आपने ये अमल करना है। जब आपने इन तीन नामों का विर्द करना है, जो आपकी परेशानी है उसका तसव्वुर आपके जहन में लाजमी होना चाहिए। यकीन मानिए, जिस भी मकसद के लिए आप ये अमल करेंगे वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये अमल आप खुद भी कीजिए और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकअल्लाह।